स्वागत है आपका एक बार फिर से बिहारी गुरुजी चैनल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएसएससी इंटर लेवल एग्जामिनेशन में, ठीक है, इंटर स्तरीय जो पद होता है, पंचायत सचिव जो है मोस्ट पावरफुल पोस्ट है इसमें, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे कैसे ये सबसे ज़्यादा पावरफुल आपको जो इंटर लेवल का एग्जामिनेशन है बिहार में, खास करके इंटर स्तरीय जो पद है उसमें कैसे ये सबसे ज़्यादा पावरफुल पोस्ट है। ठीक है, सबसे पहले जो है सिस्टम को जो है आप थोड़ा सा आप लोग जो है समझ लीजिए कि साधारण भाषा में पंचायत सरकार जो होता है आपका, साधारण भाषा में आप समझ लीजिए तो लोकल गवर्नमेंट इसको जो है कहा जाता है, स्थानीय सरकार कह लीजिए, ठीक है, स्थानीय निकाय कह लीजिए, ठीक है। तो कंपेयर हम करेंगे सबसे टॉप से, सबसे ऊपर हो गया आपका, जैसे मान लीजिए बिहार का हम बात कर रहे हैं तो बिहार सरकार, उसी तरह से पंचायत सरकार सबसे नीचे आपका हो गया। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था जो आपका लाया गया था, ये क्या इसका मकसद क्या था, मुख्य रूप से जो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है, ताकि रूट लेवल पर जो डेवलपमेंट का काम जो है वो हो पाए, विकास हो पाए, इसलिए जो है आपको स्थानीय सरकार जो है लोकल गवर्नमेंट का जो है निर्माण किया गया। तो सबसे ऊपर आप देख लीजिए कि बिहार सरकार है, उसी ठीक उसी पैटर्न पर जो है ये लोकल गवर्नमेंट चलता है। तो सबसे नीचे हम बात कर रहे हैं अभी पंचायत सरकार का करेंगे। तो जैसे आप देखते हैं कि बिहार में देखिए कि मुख्यमंत्री, ठीक है, पब्लिक जिसको चुन के भेजती है, तो मुख्यमंत्री हो गए जैसे राज्य के ये मुखिया, साधारण भाषा में आप कहें तो कई बार पेपर वगैरह में आप लोग देखते होंगे कि राज्य के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री हो गए ये, ठीक है। उसी तरह से पंचायत सरकार में आप देखेंगे तो जो मुखिया होता है वो ठीक उसी तरह से सेम रोल में होता है, ये छोटे लेवल पर रहता है पंचायत सरकार में, ठीक है। उसके बाद जो बिहार सरकार में आप देखेंगे सबसे ऊपर सबसे बड़ा पद जो होता है सरकारी पोस्ट, ठीक है, वो होता है आपका मुख्य सचिव का, चीफ सेक्रेटरी का। ठीक उसी तरह से पंचायत में जो पद होता है आपका पंचायत सचिव का, वो एकदम मुख्य सचिव के तरह ही है, ठीक है। बड़े लेवल पर आप देखेंगे बिहार सरकार में राज्य लेवल पर तो चीफ सेक्रेटरी जैसे है, वैसे ही पंचायत सरकार में छोटे लेवल पर वो पंचायत सचिव ही होता है जो मुख्य सचिव के रूप में कार्य करता है, और यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरह जो है वो होता है मुखिया, ठीक है। इसी तरह से आपका तीन लेवल में जो है नीचे हो गया आपका ग्राम पंचायत हो गया, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद, ठीक है, तीन लेवल में हो गया ये पंचायती राज आपका सिस्टम। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पंचायत सचिव का, ठीक है। तो सबसे पहला बात कि अभी तक जो भी आप लोग देख रहे होंगे पंचायत सचिव जो भी कार्यरत हैं वो सब जो फुल फ्लेज जो है आपका बहाली जो होता है पंचायत सेक्रेटरी का, खास करके पंचायती राज एक्ट जो है आने के बाद, बिहार में लागू होने के बाद जो रूल बना अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट के लिए, वो 2011 में बना है, ठीक है, जिसके तहत जो है 2014 में पहली बार जो बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल एग्जामिनेशन का वैकेंसी आया उसमें पहली बार जो है प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए आप कि जो पंचायत सेक्रेटरी का पोस्ट है, ठीक है, उसको पहली बार लाया गया है। ये पहली बार बहाली आपका फर्स्ट टाइम हो रहा है बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल के थ्रू, ठीक है, जिसका जिस डेट में हम वीडियो बना रहे हैं आज के डेट तक जो है, आज के डेट में जो है इसका फिलहाल अभी तक प्रक्रिया पूरा नहीं हुआ है और नियुक्ति नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये जो रूल्स है इसका वो 2011 में बना है, आप लोग देख लिए, ये 6/7/2011 में ये पब्लिश हुआ था, डेटेड है ये बिहार ग्राम पंचायत अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी राइट्स एंड ड्यूटीज़, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जो है ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत सेक्रेटरी, ये इसी रूल का हम बात कर रहे हैं, ये जो रूल्स बना हुआ है आपको ये वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, गैजेट में बिहार सरकार का ये गैजेट है, ठीक है, तो उसी में दिया गया है 10 नंबर पॉइंट में ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत सेक्रेटरी, ठीक है, जिसमें आप देखिए कि क्या दिया गया है कि द सेक्रेटरी शैल बी द ऑफिस इंचार्ज ऑफ द ग्राम पंचायत, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा ठीक से, आगे हम चर्चा करेंगे ऑफिस इंचार्ज, ठीक है, ऑफिस इंचार्ज ऑफ द ग्राम पंचायत एंड एग्जीक्यूट ऑल इट्स फंक्शंस एंड एक्सरसाइज ऑल पावर्स कन्फर्ड और डेलीगेटेड अंडर द एक्ट और एनी रूल्स और बायलॉज मेड अंडर दिस एक्ट, ठीक है। तो साधारण भाषा में समझिए कि ऑफिस इंचार्ज होगा पंचायत सेक्रेटरी जो है ग्राम पंचायत का, ठीक है, ऑफिस इंचार्ज। उसके बाद जो है पंचायत फंड का, देखिए 13 नंबर पॉइंट में क्या है इसमें कि द ड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम ग्राम पंचायत फंड, ठीक है, पंचायत का एक अलग अपना फंड होता है कि जितना भी डेवलपमेंट का काम होगा, ठीक है, उसके फंड में सीधे पैसे आता है, ठीक है, पंचायत के फंड में। तो ड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम ग्राम पंचायत फंड शैल बी मेड थ्रू चेक इश्यूड इन द ज्वाइंट सिग्नेचर ऑफ सेक्रेटरी एंड मुखिया, ठीक है, पैसा जो इशू होगा इस पंचायत फंड से, ठीक है, वो सेक्रेटरी और मुखिया के साइन से ही इशू होगा, दोनों के साइन से, ठीक है।
ये तो फंड का बात हो गया। अब देखिए, आप अभी हाल ही में एक लेटर जारी हुआ है, ठीक है, खास करके हम ये आपको इस लेटर के थ्रू हम बताना चाह रहे हैं कि जो वर्ड यूज किया गया है पंचायत सचिव के लिए, ठीक है, या अलग अलग जो आपका जो तीनों जो ये है आपका, जैसे ग्राम पंचायत हो गया, उसके बाद पंचायत समिति है, जिला परिषद है, तीनों जो आपका है पंचायती राज का इंस्टीट्यूशन जो है तीनों, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इसमें कौन कौन होते हैं कार्यपालक पदाधिकारी, ठीक है। इस चीज़ को दिखाने के लिए सिर्फ इस लेटर को हम दिखा रहे हैं आपको। ये हाल ही में लेटर रिलीज हुआ है, ठीक है, शिक्षा विभाग के द्वारा, जिसमें विषय है इसका कि पंचायती राज संस्था अंतर्गत शिक्षकों के नियुक्ति से संबंधित अभिलेख के संधारण के संबंध में, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है, देखिए आप ध्यान से यहाँ पे, कि उक्त पृष्ठभूमि में अनुरोध है कि अपने अपने जिला से संबंधित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद, ठीक है, तीनों लेवल हो गया आपका, के कार्यपालक पदाधिकारी, यहाँ पे भी आप ध्यान देंगे, ठीक से, पीछे आप देख लिए ऑफिस इंचार्ज, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से कार्यपालक पदाधिकारी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी यथा पंचायत सचिव, ठीक है, ध्यान से आप देख लीजिए, पंचायत सचिव, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त यानी कि DDC, ठीक है। तो देख लिया आपकी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं वो है आपको पंचायत सचिव, प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि VDO और DDC, तीनों लेवल का, ठीक है। ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। पंचायती राज संस्था आपका जो है ग्राम पंचायत सबसे नीचे हो गया, उसके ऊपर होता है आपको पंचायत समिति, उसके ऊपर जिला परिषद। तो कौन हो गए कार्यपालक पदाधिकारी, यहाँ पे पंचायत सेक्रेटरी हो गए ग्राम पंचायत का, उसके बाद पंचायत समिति का BDO हो गए, उसके बाद DDC हो गए आपको जिला परिषद के, ठीक है। और अध्यक्ष जो इस सब के होते हैं, जिसको पब्लिक चुन के भेजती है, ठीक है, वो आप लोग जान ही रहे हैं कि सबसे नीचे मुखिया हो गए, प्रखंड में हो गए आपके प्रमुख, और जिला परिषद में जो है अध्यक्ष चेयरमैन जो होते हैं। उसके बाद जैसा कि पता है आप लोगों को कि नियोजन इकाई के रूप में भी कार्य करता है ये, जैसे कि टीचर्स का जो अपॉइंटमेंट है वो पंचायती राज संस्था के अंतर्गत दे दिया गया है। तो तीनों जो ये लेवल है आपका, तीनों जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये तीनों ही नियोजन इकाई के रूप में भी कार्य करते हैं। तो पंचायत नियोजन समिति जो बनता है होता है पंचायत नियोजन इकाई है ये, वो ठीक है, ग्राम पंचायत जो है आपका वो नियोजन इकाई भी है पंचायत शिक्षक को ये करने के लिए, रिक्रूटमेंट करने के लिए, ठीक है। तो नियोजन समिति जो होता है उसके, देखिए, ग्राम पंचायत का मुखिया, ठीक है, वो जो होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं, वैसे भी वो अध्यक्ष है ग्राम पंचायत के, ठीक है। तो यहाँ पर वो अध्यक्ष होते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 नंबर पे देखिए ग्राम पंचायत के सचिव, ये जो होंगे वो सदस्य सचिव होंगे। तो मुख्य रूप से इन दो लोगों का ही रोल रहता है, अध्यक्ष और सचिव का, इन दोनों का साइन एकदम मस्ट है, इन्हीं दोनों के साइन से ज़्यादातर चीज़ जो है सिग्नेचर से वो होता है। तो अध्यक्ष और सदस्य सचिव यानी कि सेक्रेटरी जो ग्राम पंचायत के सचिव होते हैं पंचायत नियोजन समिति के केस में, यानी कि नियोजन इकाई जो आपका ग्राम पंचायत है उसके केस में, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये सिस्टम बनता है आपका। देखिए नियोजन इकाई जो है आपका ग्राम पंचायत हो गया सबसे नीचे, उसके बाद फिर पंचायत समिति होता है और जिला परिषद, ये हाई स्कूल और प्लस टू का जो है वो करता है बहाली, ठीक है, टीचर्स का। पंचायत समिति में आपका 1 से 5 और 6 से 8 का भी होता है, और इसमें जो होता है आपका 1 से 5 का होता है सिर्फ। तो यहाँ पे अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव कौन कौन होते हैं वो आप देख लिए। अध्यक्ष यहाँ पे ग्राम पंचायत के केस में मुखिया, और पंचायत सेक्रेटरी जो हो गए ये सचिव हो गए, यहाँ पर प्रमुख हो गए, ठीक है, अध्यक्ष, और BDO हो गए आपको जो है सेक्रेटरी, ठीक है, सदस्य सचिव। उसी तरह से अध्यक्ष हो गए यहाँ पे जो है जिला परिषद में जो है, और DDC जो है ये सदस्य सचिव हो गए, ठीक है। ये नियोजन इकाई के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि पंचायती राज संस्था आपका जो है नियोजन इकाई है, उस तरह से जो है कौन कौन इसमें अध्यक्ष और सदस्य सचिव कैसे कैसे कौन कौन होते हैं। अब जो है देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और है, 29 नंबर जो है पॉइंट, इसमें भी ये उसी रूल्स में दिया गया है पंचायत सचिव के ड्यूटीज़ में, ठीक है। He shall coordinate with the employees of concerned departments for appropriate performance of works responsibilities assigned to Gram Panchayat by different departments and assist in implementation of all such programs. ठीक है, जितने भी अदर अलग अलग विभागों के, ठीक है, ये तो इंचार्ज होंगे ही, ऑफिस इंचार्ज, पंचायत एक ऑफिस के रूप में काम करेगा, पंचायत ऑफिस जो हो गया आपका, पंचायत कार्यालय हो गया, ठीक है, उसमें अलग अलग विभागों के अलग अलग लोग होंगे, ठीक है, अलग अलग कार्य के लिए, ठीक है, उन सबको ये कोऑर्डिनेट करेंगे कहाँ पर क्या होना है, उनको ये इंस्ट्रक्शन देंगे, बताएंगे कि ये क्यों नहीं हो रहा है, या मान लीजिए जो भी वर्क होना है उससे उतरत संपर्क करेंगे, ठीक है।
ठीक है, किस ढंग से क्या होना है सारे चीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो यहाँ पे देखिए कि पंचायत के जो अन्य कर्मी होते हैं, अन्य कर्मी में कौन कौन हो गया, जैसे पंचायत रोजगार सेवक हो गया PRS, उसके बाद आवास सहायक, इंदिरा आवास सहायक जो हो गए, उसके बाद विकास मित्र होते हैं पंचायत में, उसके बाद ग्राम कचहरी सचिव होते हैं, उसके बाद कार्यपालक सहायक भी जो है रहेंगे, जो RTPS का काउंटर वगैरह वहाँ खुला रहता है पंचायत में, ठीक है। धीरे धीरे ये हर जगह जो है ये हो रहा है, जैसे जैसे ये हो रहा है आपका जो है ऑफिस पंचायत सरकार खास करके भवन जो है वो जैसे जैसे जहाँ जहाँ बनते जा रहा है वहाँ वहाँ जो है धीरे धीरे ये सब कार्य शुरू हो रहा है। उसके बाद राजस्व कर्मचारी भी किसी खास दिन, एक या दो दिन, ठीक है, का उनका भी रहता है कि पंचायत में आपको बैठना है, ठीक, तो उस दिन भी जो है उनके इंस्ट्रक्शन में ही जो है, उनके निर्देशन में ही ये भी जो है कार्य करेंगे उस दिन। उसके बाद निम्न वर्गीय लिपिक, फ्यूचर में जो है अब प्रोविज़न ये है, प्लान ये जो है बनाया जा रहा है कि निम्न वर्गीय लिपिक, ठीक है, भविष्य में जो है एक एक निम्न वर्गीय लिपिक भी LDC भी पंचायत ऑफिस में होंगे, जो सारा रिकॉर्ड वगैरह सब चीज़ को वो जो है वहाँ पर रखेंगे और देखेंगे वो, ठीक है। तो ये सब जो है पंचायत सचिव यानी कि कार्यालय प्रभारी जो है, पंचायत सेक्रेटरी, उनके निर्देशन में ये सब जो है इन सबको काम करना है, ठीक है, ये सारे, ठीक है, सबको ये कोऑर्डिनेट करेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि हाल ही में पेपर में भी ये चीज़ आया था कि बिहार में 9000 लिपिकों की होगी बहाली, ठीक है, राज्य के पंचायती राज विभागों में 9000 लिपिक की नियुक्ति करेगा, ठीक है, बन रहा है प्रस्ताव, पंचायती राज विभाग बना रहा है नियुक्ति का प्रस्ताव, कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद प्रक्रिया जो है शुरू होगी। इसमें क्या दिया गया था, अब ध्यान से जो है बस मेन पॉइंट आप देख लीजिए कि पंचायत के कार्यालय में ये बैठेंगे, सीधा एक लाइन में आप समझिए कि पंचायत के कार्यालय में ये बैठेंगे, और 8337 जो है ग्राम पंचायतें हैं, तो समझ सकते हैं आप कि एक एक जो है, ठीक है, सब हर पंचायत में दिया जाएगा, और ये सब जो है उसके अंडर काम करेंगे एक तरह से जो है, क्योंकि ऑफिस इंचार्ज है पंचायत सेक्रेटरी, जो भी कोई भी अलग विभाग का जो भी स्टाफ होगा वो उसके डायरेक्शन में ही काम करेगा, ठीक है। पंचायतों, उसके बाद जो है पंचायतों में हो रहे कार्यों से संबंधित कागजात का पूरा रिकॉर्ड रखेंगे, ठीक है, ये जो है जितने भी कार्य हो रहे हैं सबका रिकॉर्ड रखेंगे, खर्च का हिसाब भी रखेंगे, पंचायतों में ऐसे कर्मियों की कमी विभाग को महसूस हो रहा है, ठीक है, यही देखते हुए इनकी अस्थायी नियुक्ति की तैयारी की जा रही है। यानी कि ये जो पोस्ट होगा आपका, जैसे जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट कैडर का जो है कलेक्ट्रेट वगैरह का पद होता है, जिसका पोस्टिंग जो है आपको ब्लॉक लेवल तक रहता है, ठीक है, प्रखंड के कार्यालय में भी रहता है, जिला कार्यालय में भी रहता है, अब इसको जो है पंचायत के कार्यालय में भी एक एक क्लर्क को दिया जाएगा, ठीक है, निम्न वर्गीय लिपिक को। उसके बाद जो है देखिए आप कि जैसा कि आप लोग देखते ही होंगे अपने पंचायत में या आसपास के पंचायत में कि पंचायत सरकार भवन इस तरह से जो है बन रहा है, तो जब आप जाएंगे इसमें बाएं तरफ, जब जाएंगे बाएं तरफ वाले विंग में खास करके इस तरफ ही रहता है, ठीक है, इस तरफ जब आप घुसेंगे तो तीन आपको जो है अलग अलग चैम्बर मिलेगा, ठीक है, इसमें जब आप घुस गए तो घुसने के बाद तीन चैम्बर आपको मिलेगा, ठीक है। जनरली लास्ट वाला जो होता है आपका सबसे बड़ा रूम इसका होगा, जो कि मुखिया का रहता है, उसके बाद स्टार्टिंग वाला जो होगा आपका उससे छोटा वो उप मुखिया का रहता है, और उससे फिर छोटा रहेगा एक जो है जो कि सचिव के लिए रहता है, पंचायत सेक्रेटरी के लिए, ठीक है। तो ये तीन लोगों का ही, मुखिया, उप मुखिया और पंचायत सेक्रेटरी, ये तीनों लोगों के लिए ही अलग एक सेपरेट चैम्बर अलग अलग रहेगा, ठीक है, और बाकी जितने भी स्टाफ्स हैं उनके लिए जो है एक कॉमन रूम जो है एक कार्यालय रहेगा, कॉमन कार्यालय, उसमें सब अलग अलग जो है बैठेंगे उसी में। चैम्बर जो है आपको इसमें पंचायत सेक्रेटरी को ही इसमें मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है एक और प्रोविज़न है कि पंचायत सचिव के लिए आप देखेंगे कि किसी भी आप जो है पंचायत सरकार भवन में चले जाइए तो वहाँ पर जो है पंचायत सरकार भवन से सटा हुआ साइड में जो है आपको एक इस तरह का बना हुआ दिखेगा, जो कि पंचायत सचिव का जो है आवास है, ठीक है। पंचायत सिर्फ और सिर्फ पंचायत सचिव के लिए ही आवास का प्रोविज़न है, वहाँ पर आवास जो है पंचायत सचिव के लिए बनाया गया है। तो कुल मिलाकर के जो है आप फाइनली हम कंक्लूजन का बात करें, पीछे आप लोग सब चीज़ देख लिए, ठीक है, तो मुख्य जो पद है आपका इंटर स्तरीय परीक्षा में, ठीक है, वो है राजस्व कर्मचारी का, निम्न वर्गीय लिपिक का, LDC का और पंचायत सचिव का। और बात रहा जहाँ तक कनीय लेखा लिपिक का, तो जैसा कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कई वीडियो में कि वो निम्न वर्गीय लिपिक के ही बराबर उस पद को एक तरह से कर दिया गया है, ठीक है, वो उसी तरह का नेचर भी है उसका, वर्क नेचर भी है, ठीक है, बस सिर्फ उसमें जो है कनीय लेखा लिपिक, ठीक है, लेखा लिपिक, लेखा बस लगा हुआ है और कुछ नहीं है, वो LDC की तरह ही वो पद है। तो कुल मिलाकर के आप देखें, यहाँ पर पीछे आप देख लिए कि भले ही राजस्व कर्मचारी को एक दिन या दो दिन या तीन दिन, जब भी, क्योंकि कार्य उसका जो है
हल्का होता है, एक पता होगा आप लोगों को कि जिस तरह से पंचायत है, पंचायत का जो रेंज है वही सेम पंचायत ही आपको लैंड के केस में आप देखेंगे, ठीक है, लैंड रेवेन्यू के केस में, तो वो हल्का के नाम से जाना जाता है और हल्का कर्मचारी कहा जाता है राजस्व कर्मचारी को। तो जब ये पंचायत में बैठेंगे, आएंगे, मान लीजिए एक या दो दिन ही हो या तीन दिन ही बैठना हो, ठीक है, तो वहाँ का इंचार्ज कौन है? आप एक ही एग्ज़ाम से जाएंगे, परीक्षा से जा रहे हैं, वहाँ का इंचार्ज कौन हुआ और आपको कोऑर्डिनेट कौन करेगा? पंचायत सेक्रेटरी। वहाँ का बॉस कौन है? पंचायत सेक्रेटरी, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ गए राजस्व कर्मचारी का और पंचायत सचिव का। उसके बाद जहाँ तक निम्न वर्गीय लिपिक का बात है, तो जब तक आपका प्रखंड में पोस्टिंग है या जिला में है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, चलिए आप यहाँ से अलग अलग हैं। लेकिन अब जो प्रोविज़न होने जा रहा है, जैसा कि बात चल रहा है, फ्यूचर में आप देखेंगे कि एक एक वही जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट कैडर का जो आपका निम्नवर्गीय लिपिक होता है, LDC होता है, क्लर्क होता है, ठीक है, उसी में से किसी न किसी का पोस्टिंग जो है, जिस तरह से कभी किसी का जिला में रहता है फिर कभी प्रखंड में भेज दिया जाता है, उसी तरह से उनको पंचायत में भी भेज दिया जाएगा। और जब आप पंचायत में आएंगे तो आप देख लिए कि पंचायत सचिव के अंडर में ही आप काम करेंगे, ठीक है। तो एक ही एग्ज़ाम का, एक ही परीक्षा से आप, एक ही क्वालिफिकेशन वाला ये तीनों पद है। और आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए आप, ठीक है, पीछे आप देख भी लिए सारा चीज़ प्रूफ के साथ, और अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना जो है पावरफुल इन तीनों में जो है ये किस तरह से है, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, या अभी या 2-4-5 साल बाद आप देखेंगे, ठीक है, कि ये सब जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है आपको कभी ना कभी आपको दिखेगा कि इसको जो है कोऑर्डिनेट कर रहा है पंचायत सेक्रेटरी, जब आपका पंचायत ऑफिस में पोस्टिंग होगा तो, ठीक है। निम्न वर्गीय लिपिक का भी होगा और राजस्व कर्मचारी का तो मान लीजिए उनका ड्यूटी है ही, वहाँ पर आना ही आना है उनको भी। तो कुल मिलाकर के जो है इससे आपको पता चल गया होगा कि कितना पावरफुल पद है, खास करके हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंटर स्तरीय परीक्षा का, जो इंटर लेवल का पद है उसमें हम बात कर रहे हैं कि कितना पावरफुल पद है ये, ठीक है, इंटर स्तरीय परीक्षा वाले में। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।